हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है संडे और आज हम जा रहे हैं सरोजनी नगर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। लाइक आप कह लो 3 साल हो गए होंगे मुझे, मैं सरोजनी नगर गई थी 3 साल पहले। एंड मैंने सोचा कि अब सरोजनी नगर चलते हैं और आप लोगों के लिए व्लॉग भी बनाते हैं। वैसे मुझे सच बताऊं तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक बाय करना नहीं है, बट से हाय टू अक्षय। हेलो गाइस। तो अक्षय ने बोला कि यार व्लॉग बनाते हैं, ऐसे कंटेंट बनाने चलते हैं। बाकी हाँ, ऑफ कोर्स सी बात है, मैं वहां जाऊंगी तो खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं आऊंगी। अब जा रही हूँ तो कुछ खरीद के जरूर आऊंगी एंड देखते हैं क्या कलेक्शन आ रखा है। मैं आप लोगों को भी बिल्कुल अपडेट करूंगी, आप कहाँ से लेना सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। और गाइज, बाकी मैं देखो हेल्दी डाइटिंग पे भी चल रही हूँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। बाकी अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ फॉलो मी देयर, कि मेरी थोड़ी ना हेल्दी लाइफस्टाइल चल रहा है। सो मैं हेल्दी ही खाना खा रही हूँ। सो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ काफ़ी कुछ, मैं अपने ये बैग के अंदर ना मतलब लेकर आई हूँ। देखो इस बॉक्स में है मखाने, एक बॉक्स के अंदर मैं लाई हूँ एलमंड्स और एक बॉक्स के अंदर लाई हूँ मैं भेलपूरी, जिसमें बहुत सारी वेजीज डाल रखी है मैंने, क्योंकि मैं सुबह जल्दी जल्दी में यही बना पाई सो मैंने यही किया। और ये सब मैं 3 डब्बा लेकर आई हूँ अपने साथ खाने के लिए, कि मुझे भूख लगेगी तो मैं ये खा लूँगी। और बाकी तो अगर हम मुझे जैसे थोड़ी ज़्यादा भूख लगी इसके बाद भी, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता हम कब तक घर जाएंगे वापस, सो मैं बाहर से कुछ खा लूँगी बट हेल्दी खाऊँगी। आई एम सो हैप्पी कि ये मेरा चैलेंज जारी है और आज हो गया है 10th डे हो गया है ना। तो मुझे वैसे इतना कोई मेजर चेंज नहीं आया होगा, बट हाँ मैं मतलब इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। सो आई एम हैप्पी कि मेरे 10 दिन हो गए और मैंने इसे कुछ चीट मील नहीं खाया। मेरा छोले भटूरे खाने का बड़ा मन कर रहा था बट मैं नहीं खाऊंगी। सो यस गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर अपडेट। गाइज हम यहाँ पे 3 बजे पहुँचे हैं और 3 बजे पहुँचे नहीं है गाइज, 3 बजे अच्छा पहले हम पहुँच पहले गए, आधे घंटे से पार्किंग में फंसे पड़े हैं। तो इसलिए इससे सबक मिलता है कि आपको गाड़ी से नहीं आना चाहिए यार। पर गाइज मेट्रो में ना ट्रैवल नहीं होता। हाँ वो तो है, बट अब बस ये है थोड़ा सा ये ट्रैफिक है, फिर हमें पार्क करनी है कार, देन हम चलेंगे अंदर। गाइज जस्ट 3:44 एंड वी आर स्टिल इन पार्किंग, पहुँच गए हैं About to park the car, but ये इंसान की वजह से हुआ। Because हाँ मुझे पता है। बाहर पार्किंग मिली थी, but ये मल्टी लेवल इज गुड यार, I think। मैं ठीक है और नहीं पार्किंग कार से ही अब एक्चुअली हो पाता है, क्योंकि हम जब टायर्ड हो जाते हैं ना तो कार ही चाहिए होती है, राइट? हाँ राइट। फिर ऐसे होता है ना तब नहीं चला जाता है मेट्रो यहाँ से। चलो आने ही वाली है बारी आई थिंक। बट यार 3 से देखियो, हम 3 से भी पहले आए थे, 3:44 हो रहे हैं। सो गाइज वी गॉट दिस अगेन अ थिंग, क्रॉप टी शर्ट कहेंगे से फॉर माई सेल्फ, और इसी के अंदर हमने लिया अक्षय को, है ना। चल पचास वाला 30 में कर दिया इधर, ये गिर गया है लो, किसका गिर गया, 250 का नोट है, ओनली 30 रुपीज की सेल है इधर, 50 वाला 30 में इधर।
लिया है मील, ये सब अक्षय का है और ये मेरा है ना। हाँ। So guys, I'm having healthy things. And I'm having bright. गाइस इसे मैं रेगुलर नहीं खा रहा। हाँ ये भी इसने भी गाइस कंट्रोल कर रखा है मेरे साथ, ये भी मोटिवेट हो रहा है। पीछे का ऐसा है ना। सो गाइस हमारी शॉपिंग हो गई है, वी आर डन विद दैट एंड अभी बज रहे हैं 7 और हम आए थे 4 बजे के बाद मार्केट के अंदर एंटर हुए थे। एंड मुझे लगता है कि आज तक की सबसे ज़्यादा जल्दी शॉपिंग हुई होगी, बिकॉज भीड़ भी बहुत थी और लेट भी हम काफ़ी हो गए थे। सो ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया, बट जो भी लिया है आई विल गोना शो यू इन दिस व्लॉग, सो स्टे ट्यून्ड। एंड या अभी हम पार्किंग में आए हैं और अभी अपनी कार का वेट कर रहे हैं। सो गाइस हमारी कार आ चुकी है नाउ, अब हम चलेंगे। हमारी कार आ गई है। चलो घर, अक्षय कह रही थी कि हम 4 बजे के भी बाद एंटर हुए थे और 7 बज गए, मतलब आज तक की सबसे जल्दी शॉपिंग हुई होगी। सही में ना, मैं 2-3 बार ही आई थी, 3 से चाहिए 4th टाइम होगा मेरा सरोजनी नगर में, बट मैं कह रही हूँ मैं 4 बार में से यही सब मतलब जो टाइम है सबसे जल्दी शॉपिंग की है मैंने। और है ना, उसमें खा भी लिया, सब कुछ कर लिया। सो मेरे हिसाब से क्योंकि हमने ज्यादा कुछ बाय नहीं करा और इतनी भीड़ थी, सो मतलब अच्छा था कलेक्शन, तो समर वाइज आ चुके हैं, समर के कपड़े आ चुके हैं, बाकी क्योंकि गर्मी भी आ चुकी है। सो यस, बाकी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया। यस यस, अक्षय तो अपने कपड़े शायद घर ले जाएगा, मैं दिखा नहीं पाऊंगी, बट हाँ अगर घर गए तो, अगर हम मेरे घर गए तो हम शूट कर लेंगे, है ना। हाँ। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। सो अभी हम जा रहे घर, बाकी मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। सो या गाइज, आई केम बैक होम एंड आई वॉज शूटिंग, सो आई ऑलरेडी वोर द टी शर्ट विच आई गॉट फ्रॉम सरोजनी नगर एंड द पैराशूट पैंट्स। दिस इज हाउ इट लुक्स एंड सो कम्फर्टेबल। एंड मैं आपको यहाँ पे वीडियो शो कर दूंगी लाइक हाउ दे आर लुकिंग ऑन मी, बिकॉज यहाँ पे फुल लुक नहीं दिख रहा होगा। सो आई पोस्ट वीडियो हेयर सो यू कैन सी कि ये कॉम्बो साथ में कैसे लग रहा है। सो आई गॉट दिस क्रॉप टी शर्ट एंड अ पैराशूट पैंट जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है राइट नाउ एवरीवेयर। सो आई फाउंड दिस पैंट ऑन पिंटरेस्ट एंड वहाँ पे सारी जगह ये पैराशूट पैंट इतनी अच्छी लग रही थी, सो मुझे भी ये अपने लिए लेनी थी एंड आई गॉट इट फ्रॉम सरोजनी नगर। आई थिंक ये 500 or 600 अराउंड थी। सो यस, मैंने बहुत बार्गेनिंग करा बट द प्राइज वॉज दिस ओनली, सो ज़्यादा इसमें हुआ नहीं क्योंकि मुझे लेना ही था। सो आई बॉट दिस फॉर जस्ट ₹500। सो या एंड दिस क्रॉप टी शर्ट जिसमें ऐसे पीछे भी प्रिंट है एंड आगे भी प्रिंट है एंड आई रियली लाइक द कलर, मुझे बेसिक कलर नहीं लेना था, सो आई वॉन्टेड समथिंग कलरफुल। क्लोदिंग में मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं बिकॉज मुझे मिली भी नहीं थी एंड बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। सो आई गॉट दिस क्रॉप टी शर्ट फॉर माई सेल्फ एंड दिस पैराशूट पैंट जो कि बहुत ही अमेजिंग है। मतलब मैंने बहुत ही कम चीज़ें ली हैं क्लोदिंग में, एसेसरी फिर भी कह सकते हो मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, बट जो भी मैंने चीज़ें ली है आई एम रियली हैप्पी विद दैट। सो द नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट इज ब्लैक डेनिम स्कर्ट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स एंड बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। मैंने वैसे इसको अभी डाल के नहीं देखा, ट्राई नहीं करा है, बट मैंने ऐसे नेक मेजर करा था तो आई थिंक मुझे आ जाएगी बिकॉज आई नीड टू वॉश दिस फर्स्ट, सो आई गोना वेयर दिस। ये वॉश हो चुके हैं सो दैट्स व्हाई आई वोर दिस फॉर द शूटिंग एंड मैंने सोचा साथ साथ मैं सरोजनी का जो मिनी व्लॉग हॉल है जो मुझे डालना है सो मैं वो भी शूट कर लेती हूँ। सो आई शॉट दिस लुक एंड दिस इज द स्कर्ट विच आई गॉट एंड इसका भी मैं प्राइस यहाँ बॉक्स में डाल दूंगी। सो या नाउ मूव ऑन टू द एसेसरी आइटम विच आई गॉट, वो भी ज़्यादा नहीं है बट हाँ क्लोदिंग आइटम से तो ज़्यादा है, सो लेट मी शो यू वॉट ऑल आई गॉट फ्रॉम देयर। सो द फर्स्ट थिंग इज दिस ह्यूज क्लचर विल से, क्लचर
फॉर द हेयर एंड ऐसा ही मैंने कुछ लगा भी रखा है अभी, बट उसके अंदर फर नहीं है एंड ये वाला फर वाला था एंड आई रियली वॉन्टेड टू बाई दिस वन. मेरे पास ऐसा है बट वहाँ पे भी मिल रहा था सो आई कुडंट एबल टू रेजिस्ट माई सेल्फ और मैंने ये ले लिया. एंड दिस इज जस्ट फॉर रुपीज 50 एंड ये अगर आप ऑनलाइन स्टोर्स पे देखोगे तो ये या ऑनलाइन साइट्स पे देखोगे ये काफ़ी कॉस्टली मिलेगा, बट इन सरोजनी नगर आई गॉट दिस फॉर जस्ट रुपीज 50 एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पे पूरा ये फर लग रखा है. मैंने ये लेवेंडर कलर में लिया था सो या. एंड नेक्स्ट अप वी हैव दीज काइंड ऑफ बोज. ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी चल रहे हैं और सरोजनी नगर में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, आप हर जगह देखोगे ये ऐसे बोज मिल रहे हैं. मैंने ये 3 डिफरेंट कलर्स में लिए थे. दिस वन इज येल्लो ऑरेंजिश काइंड ऑफ मल्टी कलर टाइप एंड देन आई हैव दिस होलोग्राफिक सा, इसके अंदर शिमर सा है थोड़ा, मतलब शिमर लगा नहीं हुआ बट इसका फैब्रिक ही ऐसा है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. एंड ये वाइट पिंकिश सॉर्ट ऑफ कलर में है, थोड़ा शाइनी इफेक्ट देता है. एंड द नेक्स्ट वन इज बेसिक बट यस ग्रे ब्लैक और थोड़ा सा इसमें टिंटेड इफेक्ट भी आ रहा है ब्राउनिश और गोल्डन का एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा मुझे. एंड ऑल दीज 3 वर जस्ट रुपीज 100. कैन यू इमेजिन लाइक 100 रुपीज़ में मुझे ये 3 इतने अच्छी क्वालिटी के बोज मिले हैं. आई डोंट थिंक सो ऑनलाइन भी आपको इतना सस्ता मिलेगा एंड या आई रियली लव द क्वालिटी एंड कांट वेट टू ट्राई देम एंड स्टाइल देम. सो नाउ एंड द नेक्स्ट अप आई हैव इयररिंग्स. सो दीज आर द इयररिंग्स आई गॉट दिस. ये हार्ट शेप के इयररिंग्स हैं एंड ये मैंने 30 रुपीज़ के लिए थे या 50 रुपीज़ के मैक्स. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये स्टाइल करते हुए भी बहुत अच्छा लगेगा. मैं वैसे इसमें भी पेयर कर सकती थी, इसके साथ आराम से चला जाता बट आई फॉरगॉट. सो या दिस इज हाउ इट लुक्स. प्यारा सा ऐसे स्टील या कुछ स्टील के ये हार्ट बना रखे हैं एंड बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ट्रेंडी हैं. सो यस आई थिंक ऑनलाइन आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा एंड इन सरोजनी नगर जस्ट गॉट दिस फॉर 50 रुपीज. सो आई लव इट. द नेक्स्ट वन इज दिस लूप्स. सिल्वर वाले जो लूप्स होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी इनका कलर उतर जाता है सो आई वॉन्टेड टू बाय द न्यू वन. सो आई गॉट दिस. ही मल्टी सर्कल्स हो रखे हैं दोनों साइड दोनों लूप्स के अंदर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. स्टाइल करते हुए भी बहुत ही अच्छा लग रहा था. मैंने अभी रिसेंटली ये स्टाइल किए थे सो या दिस इज वॉट आई गॉट. एंड द लास्ट आइटम आई गॉट इज दिस क्यूट pretty earrings shells वाले. इसमें ऐसे देखो डिटेलिंग हो रखी है, बहुत ही प्यारी डिटेलिंग हो रखी है एंड ये आप एथनिक के साथ कोई भी सूट्स के साथ पहनोगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा. एंड कांट यू बिलीव आई गॉट दिस जस्ट फॉर पीस 30. बहुत ही क्वालिटी भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है एंड इट जस्ट फॉर 30 रुपीज़. इसमें क्या ही मिलता है यार. एंड लुक एट दिस. ये आप किसी भी एथनिक सूट या किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो. So I totally love the quality and the design, everything about this earring. So yeah, that was my mini haul from Sarojini Nagar. I hope you guys liked it. मैंने ज़्यादा कुछ buy नहीं करा था but जो भी मैंने buy किया था I wanted to show you guys कि मैंने क्या क्या लिया था वहाँ से. So yeah, that was it for the vlog. I hope you guys liked this vlog. Please don't forget to like, share and subscribe. See you in the next vlog. Bye!